दोस्तों भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मैं सिर्फ आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, इसके अलावा प्लानिंग आपको अपनी खुद की करनी है। तो मेरे वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हो तो उनके साथ साथ अपनी प्लानिंग भी करते चलिए, और जो डाउट्स आपके मन में जो आने वाले हैं वो सारे क्लियर मैं खुद करता हूं, एक स्टूडेंट की तरह से, कि एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन सी क्लासों की उनको जरूरत है, कौन सी बुक से उसको पढ़ाई करने की जरूरत है, अब उसकी तैयारी कहां तक पहुंच गई होंगी। तो लास्ट के एग्जाम वाले दिन तक मैं आपके साथ हूं। उसके नमस्कार, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। 2021 का जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी होने वाला है, इसके लिए कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, और दूसरी चीज जो आप हमेशा जानना चाहते हो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये अजमेर के एक न्यूज़पेपर की न्यूज है, और उसके अनुसार 8 लाख के आसपास फॉर्म अभी अप्लाई किए गए हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दोस्तों कट ऑफ होती है वो पेपर होने के बाद में पता चलता है। अगर पेपर अगर सरल आता है तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाती है, अगर पेपर अगर थोड़ा सा लेवल का बनता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे रह जाती है। 2016 की पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाए, आपको यह आइडिया हो जाए कि पिछली बार क्या स्थिति थी और इस बार क्या स्थिति है। तो उससे आपको हर चीज, आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। और लास्ट में मैं आपको वीडियो के अंत में कट ऑफ बताने की भी कोशिश करूंगा कि क्या कट ऑफ रहती है, तो उसके लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। साथ ही एक चीज बता दूं मैं आपको, आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए कि आप उस एकेडमी का वीडियो देख रहे हो जो परसेंटेज रिजल्ट के आधार पर राजस्थान में नंबर वन है। और इस बार जो 2021 का जो रिजल्ट आएगा, रिटर्न एग्जाम के बाद में हम फिजिकल तैयारी यही करने वाले हैं, आप सारे लोग मेरे साथ इसी एकेडमी में फिजिकल करने वाले हैं, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी हमें अभी हम यही करेंगे। और पिछले लगभग 6 महीने से जब से वैकेंसी निकली है, उस समय से लेके लगातार आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे, चैनल के जो वीडियो सब इंस्पेक्टर के लिए जितने आपने पसंद किए हैं, वो उनकी वजह से पूरे राजस्थान में हम वैसे भी नंबर वन पे आ गए हैं। क्योंकि जो जिस तरह से हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वो पूरी उसको फॉलो कर रहे हो साथ साथ, और उसी के अनुसार आप तैयारी कर रहे हो। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में फेल होने वाले और पास होने वाले बच्चों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, और वो अंतर गाइडेंस के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला हो, अच्छी चीज अगर आपको बताने वाला हो, तो आप आराम से फेल की बजाय पास में शामिल हो सकते हैं। फिजिकल के लिए हम जिस दिन एग्जाम आपका कंप्लीट होता है, अगले दिन से हम फिजिकल तैयारी शुरू कर देंगे। जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते वो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, जो बच्चे एकेडमी में आके जयपुर में आके करना चाहेंगे उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। और उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी भी मैं आपको यही करवाऊंगा, यानी कि कंप्लीट तैयारी हम आपको सब इंस्पेक्टर की फाइनल तक कराएंगे। एक जो डर आपको हमेशा लगता रहता है वो दिमाग से निकाल दीजिए, आपसे कह रहा हूं आप भी पहुंच सकते हैं आराम से फाइनल तक, बिल्कुल अंदर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। और दोस्तों याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। वैसे अगर आपको पता नहीं है कि सब इंस्पेक्टर का पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो भी आप एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए, और पुराने वीडियो अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ये चीजें आपको टाइम वेस्ट करने वाली लग सकती है एक बार में, अगर पहली बार में अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये लग सकता है कि ये हमारा टाइम वेस्ट है, बट आपके पास 24 घंटे का जो टाइम है उसमें से 15 मिनट अगर मैंने ले ली तो वो आपकी एनर्जी को डबल कर देंगी, ये मेरी गारंटी है। ये गारंटी देता हूं आपको कि 15 मिनट अगर आपने पूरा वीडियो सुना तो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए इतनी चीजें पता चल जाएंगी कि आप आराम से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, 2016 की जो वैकेंसी थी, तो दोस्तों कुल पद थे इसके अंदर 330 के लिए पहले विज्ञापन जारी हुआ था, और उसके बाद इसमें पद बढ़ाए भी गए हैं। इस बार भी जो अभी जो नोटिफिकेशन जो निकला 859 पद के लिए है, और ये पद बढ़ भी सकते हैं, कितने बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे ये कोई नहीं कह सकता, कभी भी बढ़ सकते हैं, रिजल्ट फाइनल आने से पहले कभी भी बढ़ सकते हैं, एग्जाम के बाद बढ़ सकते हैं, रिजल्ट के बाद बढ़ सकते हैं, फिजिकल के बाद बढ़ सकते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं। तो पिछली बार जो पद बढ़ के हो गए थे वो हो गए थे दोस्तों 511, टोटल 511 पदों के लिए पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। फॉर्म इसमें भरे गए थे दोस्तों 4 लाख के आसपास, लगभग 4 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे, और इसमें परीक्षा में उपस्थित हुए हैं 2 लाख।
सिर्फ 2 लाख यानी कि 50% बच्चे हैं जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए। और इसका कारण क्या होता है, इसके 2 कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और वो भी सिर्फ पेपर देखने के लिए, और पेपर देख के देखने के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब एग्जाम का सेंटर अगर जयपुर का रहने वाला है और जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, उदयपुर आ गया, तो फिर वो एग्जाम देने के लिए जाता नहीं है। या जोधपुर का कोई रहने वाला है और उसका सेंटर अगर जयपुर आ गया तो फिर वो पेपर देखना वो जाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में संभाग स्तर पर जब पेपर होगा तो एग्जाम में बैठने वालों की संख्या काफी कम रहेगी। पिछली बार हो गई थी, इस बार कितनी रहेगी, 8 लाख टोटल फॉर्म भरे गए, 4 लाख बैठेंगे, 5 लाख बैठेंगे, 3 लाख बैठेंगे, किसी को आइडिया नहीं है। बट ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप खुद ये अंदाजा लगा सको कि क्या संख्या इस बार रहने वाली है इन संख्याओं से। इसके बाद में दोस्तों लिखित परीक्षा पास, तो लिखित परीक्षा होती है आपकी 400 नंबर की, 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर का फर्स्ट पेपर हिंदी का, 200 नंबर का सेकंड पेपर, नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और 100-100 क्वेश्चन दोनों पेपर में होते हैं। लिखित परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं वो है 11,346, ये बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, और दोनों पेपर में 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक पेपर अच्छा होता है, दूसरे पेपर में 36% मार्क्स नंबर नहीं आते हैं, उसकी वजह से भी कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 11,346 बच्चों को कॉल किया गया फिजिकल के लिए, और फिजिकल होता है 100 नंबर का जिसमें 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, और इसमें लगभग 9,000 बच्चे फिजिकल के अंदर बैठते हैं, 9,000, और उसमें से पास होते हैं सिर्फ 4,000। अब देखिए आप, ये जो बच्चे हैं 11,346 जिन्होंने रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी की, रिटर्न पास कर गए, बट फिजिकल पास करने वाले सिर्फ 4,000 बचते हैं, 7,000 बच्चे रिटर्न पास करके भी बाहर हो गए। अब ये क्यों आती है ऐसी स्थिति, इस पे आपको विचार करना है। आपको क्या करना है, आपको कौन सी जगह शामिल होना है, इसमें शामिल होना है, इसमें शामिल होना है, या जो 2 लाख जो बैठे थे एग्जाम में उसमें से 11,346 जो पास हुए हैं उनमें शामिल होना है। ये साथ साथ आप अपने दिमाग में प्लानिंग करते जाइए कि मुझे यहां से कैसे बचना है, यहां से कैसे बचना है, यहां से कैसे बचना है। अभी तक आप सिर्फ यही है, अभी तक सिर्फ ये जो 4 लाख फॉर्म भरे गए थे और अपन ने 8 लाख में शामिल हुए, अर्थात अभी यही है फॉर्म भरने वाली स्टेज में। इसके बाद लगातार स्टेज हम नीचे आते जाएंगे, बच्चों को काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, और 859 में लास्ट में आना है। और मैं तो ये कहूंगा मेरे स्टूडेंट से, अगर दम है आप में तो टॉप करके बताइए मुझे, 1 से लेके 100 के अंदर मैक्सिमम बच्चे मेरे स्टूडेंट होने चाहिए, ये मेरा कोशिश करेंगे हम। अगर आप मेहनत करेंगे साथ साथ तो 1 से लेके 100 तक में मैक्सिमम बच्चे इस अकेडमी के होंगे। इसके बाद में दोस्तों 4,000 जो पास हुए, अब यहां एक मेरिट बनती है, और वो मेरिट बनती है 500 नंबर में से, 100 नंबर का फिजिकल, 400 नंबर का रिटर्न, 500 में से बनती है मेरिट। कितनी बार बनेगी, 3 बार मेरिट बनती है। पहली मेरिट आपकी यहां बन गई, जो एग्जाम आपने पास किया है यहां। कट ऑफ भी मैं आपको इनकी बताऊंगा कि रिटर्न की कट ऑफ क्या थी, 400 में से कितने नंबर वाले पास हुए। इसके बाद में यहां कट ऑफ दोबारा जो मेरिट बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी, 100 नंबर फिजिकल और 400 नंबर के रिटर्न। और इसमें से इंटरव्यू के लिए दोस्तों पास किया गया 1926 बच्चों को, ये 4,000 जो बच्चे थे इसमें से 1926 को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, बाकी बच्चे लगभग 2,000 बच्चे फिर बाहर हो गए। ऐसे धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। 1926 का इंटरव्यू लिया गया और इसमें से 511 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बाकी 1400 बच्चे फिर मेरिट में रह गए। तो इस तरह से 3 बार मेरिट बनती है। अब वो 3ों बार की कट ऑफ आप समझ लीजिए, और उसके बाद में नई जो इस बार की है वो आप खुद प्लान करना है कि आपको किस तरह से यहां तक पहुंचना है, फाइनल तक आना है। जो 400 नंबर का जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था पिछली बार का 2016 वाली वैकेंसी का, उसमें मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ थी 201, 400 में से 201 अर्थात 50% नंबर दोनों पेपर में पास करके जिन बच्चों के आगे, वो सारे बच्चे रिटर्न पास कर गए। एससी कैटेगरी के लिए 161 सिर्फ 40% और एसटी कैटेगरी के लिए 164 सिर्फ 41% वाले बच्चे, यानी दोनों पेपर में 36-36% और टोटल 40% जिन बच्चों के आ जाते हैं वो सारे बच्चे रिटर्न एग्जाम पास कर गए। फीमेल ऑल पास, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, सारी फीमेल कैंडिडेट्स, किसी प्रकार का परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी परीक्षा में बैठी सारी पास हो गई, जितनी परीक्षा में बैठी और दोनों पेपर में 36-36% मार्क्स जिनके क्रॉस हो गए वो सारी पास हो गई फिजिकल के लिए। अब उसके बाद फिजिकल होता है 100 नंबर का,
और उसके बाद में मेरिट बनती है दोस्तों 500 नंबर में से। तो अब देख लीजिए 500 से कट ऑफ थी वो क्या रहती है, जनरल और ओबीसी के लिए 307, 100 में से जिन बच्चों के 50 नंबर नहीं आ पाए, तीन तीन इवेंट होते हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल वाला वीडियो आप देख सकते हो अलग से दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो कि फिजिकल में क्या क्या इवेंट होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, तीन तीन इवेंट अलग अलग हैं पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए, कोई से दो भी अगर आपके अच्छे हैं तो भी आपका काम चल सकता है, एक में अगर कमजोर है तो भी कोई बात नहीं, तो उससे बाहर नहीं होता है। तो अब इसके बाद में 307 है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें 500 में से है ये रिटर्न है, 100 नंबर का फिजिकल है, एससी कैटेगरी के लिए 255, एसटी कैटेगरी के लिए 208, एक्समैन के लिए 233 टोटल। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी के 250, एससी कैटेगरी के लिए 219 और एसटी कैटेगरी के लिए 208। इनमें कुछ पॉइंट्स भी है ऊपर नीचे, पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, आपको सिर्फ आइडिया समझना है ये चीज। तो ये कट ऑफ थी दोस्तों 500 के अंदर से, और इसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होने के बाद जो कट ऑफ आई है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, अभी तक वो ऑफिशियल नहीं आई है, बट मैंने कहीं से जुटाने की कोशिश की है, बच्चों से बात करके कुछ मैंने पता किया है, और ये कट ऑफ रहती है दोस्तों 450 के अंदर से, 450 में से जो कट ऑफ रही है जनरल और ओबीसी कैटेगरी 300 के आसपास रही है, 300 से 5-7 ऊपर 5-7 नीचे हो सकती है। इसके बाद एससी कैटेगरी का 270 के आसपास, 265 और 70 के आसपास रही है, एसटी कैटेगरी की जो फाइनल वो 265 के आसपास रही है, और इसके अंदर 400 नंबर का आपका रिटर्न है और 50 नंबर का इंटरव्यू भी शामिल है। इंटरव्यू में बच्चों के कितने से कितने के बीच में नंबर आते हैं, 18 नंबर मिनिमम लाने, 36% लाने अनिवार्य है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर इंटरव्यू में फेल भी किया जाता है क्या, तो बिल्कुल फेल भी हो सकते हैं आप, रिटर्न में आपका कितना भी अच्छा स्कोर है इंटरव्यू में आपके अगर 36% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप फेल भी होते हैं और फाइनल मेरिट में शामिल नहीं होते हैं। तो 18 नंबर से शुरू होके 35 नंबर के आसपास तक मैक्सिमम नंबर रहते हैं, ज्यादातर बच्चों के जो नंबर होंगे वो 18, 19, 20, 21, 22 ये होते हैं, 22-23 तक मैक्सिमम बच्चों के आ जाते हैं। कुछ 5-7% बच्चे होते हैं जिनके 23 से शुरू होके 30 तक नंबर रहते हैं, और 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जिसके 30 से ऊपर नंबर होते हैं, 35 के आसपास रहते हैं। तो ये इंटरव्यू के नंबर रहते हैं, अब इसमें से आप घटा दीजिए, बाकी नंबर है वो रिटर्न एग्जाम के हैं। और इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट 268 ओबीसी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 268 और ओबीसी के लिए 270 यानी कि 270 के आसपास है, एससी कैटेगरी के लिए 240 और एसटी कैटेगरी के लिए 235। तो ये नंबर लगभग, और ये वाले 450 में से कट ऑफ है, ये ऑफिशियल अभी तक नहीं आई है, सिर्फ बच्चों के से बात करके मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट इससे आपको अंदाजा मिल गया होगा कि हमें इसमें से अगर इंटरव्यू के नंबर घटा देंगे तो हमें कितने नंबर तक पिछली बार सिलेक्शन हुआ है। अब ये दोस्तों एक स्लाइड मैंने आपके लिए और रखी है कि ये मैंने टॉपर का स्कोर लिया है, जिसने आरपीएससी 2016 ऐसा ही एग्जाम टॉप किया है उसके रिटर्न एग्जाम में थे दोस्तों 326 नंबर, 326 नंबर आए हैं उसके, फिजिकल में है 80 नंबर, इंटरव्यू में है 29 नंबर, और 450 में से टोटल 355 नंबर आए हैं। ये है टॉपर, यानी कि कट ऑफ नीचे वाला मैंने बता दिया, टॉपर मैंने बता दिया, अब आपको इसमें बीच में कहीं स्टैंड करना है, और मैं तो ये कहूंगा कि हमें जो प्लान करना है वो टॉपर के लिए करना है, कि हमें रिटर्न में चार कम से कम 325 नंबर के आसपास स्कोर करना है, तब हम टॉपर में शामिल हो सकते हैं। और अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस बार ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया तैयारी करने के लिए, जैसी स्थिति आपकी है सारे बच्चों की ऐसी स्थिति है, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो पार्ट अच्छा है उसको और अच्छा बनाइए, दोनों पेपर में सबसे पहले 36-36% क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद में आप जहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस पार्ट को ज्यादा टाइम दीजिए। अभी भी हमें नीचे वाले कट ऑफ के आसपास की तैयारी नहीं करनी चाहिए कि पिछली बार इतनी रही थी मुझे तो इतनी तैयारी करनी है, नहीं, हमें टॉप के लिए करनी है, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत कम भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 325 जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और जनरल लगभग वही रहता है, सेम सा ही रहता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी दोनों का लगभग सेम सा ही रहता है, कम से कम 275 का आप प्लान करिए, 275 के लिए कम से कम तैयारी करिए। फीमेल कैंडिडेट ओबीसी और जनरल कैटेगरी ये कम से कम 275 और एससी और एसटी कैटेगरी कम से कम 250, ये वाला प्लान आप करके रखिए जिससे कि आप और अच्छा कर पाए। तो ये था दोस्तों पूरी आपके जो दो डाउट थे कि कितने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो हर चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर इससे ज्यादा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो,
वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो मेरी दी हुई जानकारी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए। अभी तक भी अगर आपने रिम डिफेंस अकेडमी का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है ऑनलाइन तैयारी करने के लिए, तो अभी भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।